नमस्कार सर, विभिन्न चल में एक बार पिछले आपका स्वागत है। मैं उत्तराखंड में चुका है सर। जिस घर का जो आप लोग प्रेषित करते हैं, आज हम पहुंचे हैं गांव सिधावली में। और सिधावली से जो प्रेजेंट सरपंच है वो है श्रीमती पूनम जी। श्रीमती पूनम जी किसी काम बस आज किसी कार्यक्रम में बाहर गई हुई। हमारे साथ में प्रेजेंट है उनके हस्बैंड श्री विकास जी। श्री विकास जी से हम जानना चाहेंगे कि वो सरपंच पद पर जो शोभित हुई है, तो गाँव में एजेंडा उनका क्या रहेगा विकास का, और क्या क्या विकास कार्य करना चाहेंगे। विकास जी नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आप लोगों का वेलकम करता हूँ। आप प्रथम बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं सर, क्या मेन विकास नाम भी आपका विकास है, और विकास का क्या एजेंडा लेके चल रहा है आपका? गांव की सेवा के लिए मैं सरपंच पद के लेडी सीट थी, तो उसमें पूनम जीत के सामने आई है। मैं गांव की सेवा के लिए आगे आया था। गांव की सेवा, साफ सफाई, गांव में शिविर लाइन, गांव में पढ़ाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा, स्वास्थ्य का, नशा मुक्ति केंद्र का, रोड का, पाइपलाइन का, और ढाणियों में 24 घंटा लाइट की सुविधा, गांव में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे चारों तरफ लगे हुए जाएंगे जी। हर सुविधा गांव की सेवा के लिए मैंने 5 साल गांव से हाथ जोड़ के मांगे थे। गांव ने मेरे ऊपर विश्वास रखा। गांव के इस विश्वास पर मैं हमेशा खरा उतरूंगा, और गांव की सेवा के लिए मैं 5 साल सेवा करूंगा गांव की। और गांव में हर काम जो पंचायत में पंचायत के अधीन होगा वो काम में सबके लिए बराबर है। जिसने वोट दी नादरी, मेरे लिए सारा गांव आज के लिए बराबर है, और मैं सबके लिए पूरे गांव का सरपंच हूँ। और पूरे गांव में मैं सेवा कर 5 साल सेवा करके इस जो मेरे ऊपर उम्मीद रखी गांव ने उस पर खरा उतरूंगा और गांव की सेवा करूंगा। मैं सेवा करने के लिए सामने आया था। मैं पहले भी सफाई पे ध्यान दे रखा था। मैंने 1.5 साल से अपन ट्रैक्टर चला रखा था सफाई अभियान का, उसमें गांव बस्ती में सफाई रखी मैंने। आज भी मेरा गांव साफ सुथरा है, और पढ़ा लिखा गांव है मेरा, आदर्श गांव है जी। बाबा भजनराम मंदिर है, महाराज जी रामेश्वर दास जी है, उन्होंने हॉस्पिटल बनवाया है बड़ा सारा। हॉस्पिटल को भी हम सरकार से बात करके सरकारी करने की हमारी खुद की गुरु जी की इच्छा है, सरकार को उसको एंडोर कर दे। और उसके लिए हम अब मंत्री को मिलेंगे, राम इंद्रजीत को मिलेंगे, जरावत साहब से भी बोला है, सबसे मिलके इसको हम करवाएंगे सरकारी, मुख्यमंत्री से मिलेंगे जी। बड़ा हॉस्पिटल बनवाया, 30-40 कमरे हैं उसमें, बड़ा हॉस्पिटल बनवा दिया महाराज जी ने अपने पैसों से, अपने मंदिर की जमीन बनवाया। हम उसमें गाँव की बाबा का नाम रहेगा, बाबा भजनराम मंदिर का नाम, उसको सरकार को हैंड ओवर करेंगे। धन्यवाद। तो ये विकास जी ने अपना जो विकास की जो बात है गांव में वो बिल्कुल करके रखी। इन्हीं के साथ में प्रेजेंट है हमारे वरिष्ठ ग्रामीण साथी, हम उसे भी जानना चाहिए। अमन जी कौन से वार्ड से बिलोंग करते हैं? तीन नंबर तीन नंबर वार्ड से प्रेजेंट पंच है। और अमन जी से भी हम जानना चाहेंगे, अमन जी जो अभी पूनम जी को जो सरपंच पद पे सुशोभित किया है विकास जी से, टोटल जितने भी वार्ड लगते हैं मेंबर्स में, तो मैं सभी के 16 वार्ड से ही हम तो उम्मीद रखते हैं, क्या लग रहा है आप विकास के जो कार्य हैं वो आप लोगों की योजना पूरे होंगे? बिल्कुल पूरे होंगे, और हम लोगों की उम्मीदों को टूटने नहीं देंगे जी। बिल्कुल गाँव के साथ रहेंगे और अच्छा काम करेंगे। हम चाहते हैं गाँव का विकास हो और अच्छा विकास। तो धन्यवाद अमन जी। अमन जी ने बताया ये अपने वार्ड की ही नहीं बल्कि पूरे गांव को साथ में लेके चल रहे हैं, और विकास जी पर और पूनम जी पर पूरी आस है, पूरी उम्मीद है कि हम बढ़ चढ़ कर विकास कराएंगे। विकास जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ में जुड़े। अमन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक के लिए केवल इतना ही। बढ़ते कदम सच्चाई कलम देश का सब दिखाते हम, देखते रहिए बीबी न्यूज़। Thank you.